प्रभावशाली शब्दों में अपार शक्ति होती है। प्रभावशाली शब्दों की शक्ति से इंसान का जीवन ही नहीं व्यवस्थाएं तक बदल जाती हैं। क्या ये सच है? आप सोच रहे होंगे, क्या शब्दों में भी शक्ति होती है? तो मैं कहूंगा जी हां, ये बात बिल्कुल सच है। शब्दों में शक्ति होती है, शब्दों से चमत्कार हो सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। हमारी आत्मा की आवाज क्या है? हमारी आत्मा की आवाज ही तो है शब्द शक्ति। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है उसे शब्दों में प्रकट करता है। मनुष्य का संपूर्ण स्वभाव उसके शब्दों से जाना जा सकता है। वास्तव में मनुष्य की जो वाणी है वो उसकी आत्मा का दर्पण है। वाणी मनुष्य के वर्तमान और भावी जीवन का संकेत करने वाली। मनुष्य के मुंह से निकली हुई वाणी चमत्कार कर सकती है। वाणी से ही हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं और वाणी से ही हम किसी को अपने विरोध में कर सकते हैं। इसी कवि ने कहा है, जिव्या वैरन बाबरी कर गई सरग पाताल, आपहु तो भीतर गई गत के खात कपाल। ये जो जीभ है ना हमारी, ये कुछ भी उल्टा सीधा कह देती है, स्वर्ग और पाताल और ना मालूम कहां कहां की बातें कर देती है, लेकिन उसका परिणाम हमारे सिर को भोगना पड़ता है। यानी अगर आप अच्छा कहते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है, और अगर आप कुछ बुरा कहते हैं तो उसकी सजा भी आपको मिलती है। मनुष्य के मुंह से निकले हुए शब्द अस्तित्व में हमेशा बने रहते हैं, ये कभी मरते नहीं है। महापुरुषों के मुंह से निकले हुए शब्द अमर होते हैं। आज कितने ही महापुरुषों की वाणियां हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में प्रकाश फैला रही हैं। मनुष्य के मुख से निकले हुए शब्दों में एक चमत्कार होता है, बड़ा ही प्रभाव होता है। ये मन पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। शब्दों के बल पर हम किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं, किसी को भी अपना शत्रु बना लेते हैं। शब्दों के बल पर आप चमत्कार कर सकते हैं। इस शब्द शक्ति के कारण जय घोषों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक सेना का अपना जय घोष होता है, प्रत्येक जुलूस और हड़ताल का अपना एक नारा होता है। शब्दों से आकाश गूंजने लगता है, शब्द वायुमंडल में लहराने लगते हैं। इन जय घोषों और इन नारों से एक आत्मविश्वास जागृत होता है। शब्द ही व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। शब्दों का चमत्कारी प्रयोग आप अपने ऊपर भी करके देख सकते हैं। आप अपने प्रण को बार बार दोहराएं और फिर उस प्रण का चमत्कार देखें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उस संकल्प को बार बार अपने मन में दोहराने लगें तो आप जो भी करना चाहते हैं आप उस दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। ये है शब्द शक्ति का चमत्कार। शब्द हमारे विचारों के वाहन हैं। हमारे शब्दों में मैत्री, प्रेम और स्नेह की भावनाएं हैं तो हमारे सामने खड़े हुए व्यक्ति पर उन भावनाओं का प्रभाव पड़ने लगेगा। शब्द चमत्कार करने लगेंगे। अगर हमारे शब्दों में ईर्ष्या है, घृणा है, कटुता है, शत्रुता है तो इसका प्रभाव हमारे सामने वाले पर दिखाई देगा। यह है शब्द शक्ति का चमत्कार। जानते हम सब हैं लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। जिसने इस शब्द शक्ति का चमत्कार समझ लिया उसके जीवन में सफलता आना शुरू हो जाती है। गुड़ ना किसी को दे सको तो गुड़ जैसा तो बोल। तो ऐसे बहुत से उदाहरण और बहुत सारी घटनाएं हैं जिन शब्दों के कारण लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो शब्द शक्ति का चमत्कार यानी शब्द शक्ति का प्रभाव भी आपने देखा है और इसका दुष्प्रभाव भी आपने देखा है। अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो उससे नहीं कहने का अंदाज अलग होगा, और अगर हम किसी व्यक्ति को ना पसंद करते हैं तो उससे नहीं कहने का अंदाज अलग होगा। अभिव्यक्ति एक सी है लेकिन दोनों में भावनाएं अलग अलग हैं जो अलग अलग तरीके का प्रभाव डालती हैं। शब्द शब्द में भी भेद है। मन से कहे गए शब्द और ओंठ से निकले हुए शब्दों में बड़ा भेद है। जो बात मन से निकलती है, आत्मा से निकलती है, वो सीधा प्रभाव डालती है। किसी नेता का उत्कृष्ट भाषण सुनकर हम भाव विभोर हो जाते हैं, तोड़ फोड़ पर उतारू हो जाते हैं, उसकी बात मानने के लिए सहर्सी तैयार हो जाते हैं। वो जैसा कहता है हम वैसा ही मानने लगते हैं। आज के समय में आप देख रहे होंगे हमारे बहुत से धर्मगुरु जो हैं, जैसे प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनकी वाणी में वो चमत्कार है। बागेश्वर धाम वाले महाराज, उनकी वाणी में एक चमत्कार है। कई मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं जिसमें संदीप महेश्वरी जी, विवेक बिंद्रा जी, वाणी का ही चमत्कार है, शब्दों का तो ही चमत्कार है, जिसके कारण इनके लाखों फॉलोवर हैं, लाखों करोड़ों रुपए ये अपने शब्दों के बल पर कमाते हैं। शब्द शक्ति के बल पर लोगों को बहला फुसला कर कुछ भी कराया जा सकता है।
सुने हुए शब्द कभी इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनको भुला पाना असंभव होता है। ग्रंथों की बात हम भले ही भुला दें, लेकिन जो शब्द आत्मा से निकलते हैं उनको अगर हम सुनते हैं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर अमिट हो जाता है, हमारे मन पर उसकी छाप पड़ जाती है। शब्द शक्ति का ही चमत्कार है कि महापुरुष और साधु संत लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला देते हैं। जबकि ताने के रूप में कहा गया एक शब्द लोगों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देता है। ये है शब्द शक्ति का चमत्कार। महाकवि तुलसीदास अपनी पत्नी के कड़वे बोलों को सुनकर ही राम बोला से महाकवि तुलसीदास बन गए। ये शब्दों का ही तो चमत्कार है। ऐसा नहीं है कि शब्द दूसरों पर ही असर डालते हैं, ये शब्द शक्ति हमारे ऊपर स्वयं पर भी असर करती है। हम सास्वर अपने से भी बात करें, अपने से वार्तालाप करें, अपने आप को प्रेरित करें तो शब्द शक्ति हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकती है। तो अभी मैं केवल बात कर रहा था कि हमारे दूसरों के द्वारा कहे गए शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन वही शब्द जब हम अपने आप से कहते हैं तो वह हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं।